hi everyone welcome back to super kalam i am your teacher arpita sharma and today we are going to discuss a very important uh, topic which is how to cover your backlogs but through the help of pyqs this is often asked question and this question i've been receiving it not just from the students who have been enrolled in the focus batch with us but also students who are a part of our super kalam community and family students have this question why because see i understand you make timetable you make your daily schedule your targets etc but because of circumstances sometimes because of our own laziness or inconsistency or lack of discipline we end up creating backlogs and when there are backlogs this is the condition that we go through ideally backlogs हर एक की प्रीपरेशन में होते हैं देर इज नो स्टूडेंट हू हैज नॉट क्रिएटेड बैकलॉग्स इन देयर लाइफ टाइम वेदर इट इज यू पी एस सी एग्जाम और एनी अदर एग्जाम इट ह्यूमन दैट सम्स थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान एंड दैट इज वाई वी गेट बैकलॉग्स बट दल्यूशन ऑफ कवरिंग बैकलॉग्स लाइज इन यूर ओन हैंड्स यू डू नॉट हैव टू गो अराउंड हेयर देर आस्किंग पीपल हाउ टू कवर बैकलॉग्स वेन द सल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पी बाई क्यूज तो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ Uh, you know, strategically you can use or utilize previous year questions to cover these backlogs, which are becoming a headache right now. So, let's session. Let's get started with the session today. Now, first, let us understand the first step towards utilizing previous year questions to cover your backlogs. go first of all, you have to identify the key areas. You have to have your previous year question papers with you, whether it is prelims. एंड मीन्स बोथ एंड कौन से पीवा चाहिए आपके पास कम से कम लास्ट फाइव ईयर्स के तो होने ही चाहिए बिकॉज मेजर पैटर्न चेंज है लास्ट फाइव ईयर्स अगेन एंड अगेनिंग ऑन दी लास्ट फाइव ईयर्स फर्स्ट वी विल राइट की प्रिलिम्स प्लस मीन्स बोथ प्रीवियर क्वेश्चन लास्ट फाइव ईयर्स पिछले पांच साल के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए दिस इज दर्स्ट स्टेप now when you have your previous year questions the second step is to identify the key areas key areas means the questions or the topics which have been repeated repeated topics yeah? the topics which have been repeated the second important aspect should be the pattern of question asked pattern of questions which have been asked स्ट भी वंडरिंग मैम हाउ टू आइडेंटिफाई दैटर्न इट्स वेरी सिंपल सी ओवर हियर आयदर दे विल आस्क हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज ऑर आर करेक्ट है ना या तो आपसे पूछेंगे हाउ मेनी इज आवर आर करेक्ट और दे विल आस्क कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट बट हियर यू नीड टू रिलाय ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मतलब वेरी स्ट्रॉन्गली इम्प्रिंटेड इन योर हेड ओनली देन यूलिशन टू आंसर दिस कांडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइनली यू हैव डिस्कवर्ड की रिपीटेडली कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो टॉपिक अगर आपके बैकलॉग में है उसकी प्रायोरिटी समझ आ जाएगी द टॉपिक विच आर इन योर बैकलॉग यू विल बी इनिशन टू प्रायोरिटाइज दो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे पहला पॉइंट इजी now i'll tell you one important thing if you go through the last five year question paper you will see that whenever questions are on geography the questions are more towards the factual side and whenever the questions are on economy questions are more towards the conceptual side now it will be easy for you according to your the time which is left for the exam

टॉपिक uh, है कौन सा ऐसा एरिया है ज्योग्राफी के अंदर जो रिपीटेडली पूछा जा रहा है जिसको प्रायोरिटाइज करके मुझे उस टॉपिक को इम्पोर्टेंस देनी है ओवर दी अदर टॉपिक्स है ना सो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ आइडेंटिफाइंग द की विथ विद ईयर क्वेश्चन ठीक है तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट एरिया सो दैट इज वाई एम अगेन एंड अगेन इन फेवर ऑफ आस्किंग ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस पी वाई क्यूज एंड नाउ यू कैन इवन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सुपर कलाम आप सिंपली सुपर कलाम पर जाए एंड सुपर कलाम से बोले कि भाई गिव मी गिव मी फाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन लेट से वो कैनोज इफ यू हैव मिस्ड दिस टॉपिक और इफ दिस टॉपिक इज इन योर बैकलॉग And simply you can practice those questions with super Kalam okay now coming on to the next important aspect I'll also show you how you can ask questions with super Kalam next topic ke upar. next strategy ke upar, which is linking the previous year questions with your syllabus and it is foremost step that you to uh, you know you should uh, you know go for because if you can link your previous year questions with your syllabus it becomes really easy. टू आईडेंटिफाई दॉपिकवर दैम फर्स्ट सबसे पहले तो आपको तैयारी शुरू ही सिलेबस के हिसाब से करनी चाहिए बिफोर यू इम्बार्क ऑन दी प्रिपेरेशन जर्नी ऑफ यू पी एस सी ना यू शुड स्टार्ट विद first having your syllabus with you because in the syllabus i've created a uh, you know session also mains answer writing ho jai, ya fir how to cover pyqs ho jai. i'll link those sessions in the description box as well i have always focused on understanding the syllabus first because if you have covered your syllabus which is given by upsc then you will be next level confident in this preparation and the second step should be to link the pyqs with syllabus so if in the syllabus it is given ki you have to prepare let's say Uh, uh, मान लीजिए जोग्रफी के अंदर यू हैव टू प्रिपेयर वॉलोज और वॉलोज भी नहीं अगर हम यहाँ पर पॉइंट लिख लें इन्फ्लेशन इन जी एस पेपर थ्री इन्फ्लेशन इज मेंशन ठीक है इन जी एस पेपर थ्री रेपो रेट सी आर आर ठीक है एस एल आर इट इज में टूल्स मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स इज मेंशन सो इफ यू प्रिपेयर दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स

और इन्फ्लेशन ठीक है नाउ वट आई एल डू कि आई एल जस्ट सिंपली एंड आई हैव रेपो रेट इन्फ्लेशन मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स दीज टॉपिक्स इन माई बैकलॉग तो अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास टाइम नहीं है उस बैकलॉग को अलग से कवर करने का आई हैव सम आइडिया अबाउट दस दो टॉपिक्स बट होलिस्टिकली आई एव नॉट प्रिपेयर सो आई एल अंडरस्टैंड हाउ यूपीएससी मस्ट बी थिंकिंग वेल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स हाउ यूपीएससी थिंग्स कैन बी डिडक्टेड थ्रू पी वाई क्यूज तो आई एल गो टू सुपर कलाम नाउ आई हैव आस सुपर कलाम टू गिव मी पी वाई क्यूज ऑन मॉनिटरी पॉलिसी डोल्स ठीक है बिकॉज दिस वॉज दॉपिक विच वॉज इन माई बैकलॉग्स लेट मी सी सी फ्रॉम प्रिलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी प्रिलिम्स टू थाउजेंड फिफ्टीन प्रलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री प्रिलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑल द्वेस्ट हैिवन टू मी तो यहाँ पर मेन आई प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन लेट सपोज आई हैव प्रैक्टिस मान लो मैंने प्रैक्टिस कर लिया now through the solution itself i can revise the entire topic monetary policy tools and then i can counter ask uh, you know uh, ask questions ki explain to me what is repo rate with example See, now I've asked, explain reporate to me. I can practice, it is suggesting me questions be further put saktio. But then if I have some other questions in my mind, I can ask them also. Now see, such a simple example Super Kalam is giving me to understand what is reporate in detail. Now, what I'll do, I'll just download the PDF so that I can revise it when and wherever I want to. Okay. We are done with our second step. We are done with our second step. Link PYQs with syllabus and practice them. Now coming on to the third step. मेक अ टारगेटेड स्टडी प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर फॉलोइंग अस ऑन टेलीग्राम देन ऑलरेडी वी आर प्रोवाइडिंग डेली टारगेट्स अंडर जीएस फ्री फाउंडेशन इनिशिएटिव बट ये आपको ना अपने टारगेटेड प्लान बनाने बहुत जरूरी है ब्रेक योर एंटायर प्रिपरेशन इन टू मंथली टारगेट्स and break your monthly targets into weekly targets and those weekly targets should be broken into daily targets and those daily targets should be achievable. कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके achieve you know आपके uh, schedule से या आपके real circumstance family situation इससे कुछ ऊपर नहीं होना चाहिए कि मतलब you know that your health is not write a B right now, you are having fever or something and you have written targets. Ki today I'll be completing four chapters of polity, I'll give two tests, write five answers. Aisa nahi something which can be done, which can be achieved, giving given this uh, circumstance or situation you are in. तो यू हैव टू मेक डेली अचीवेबल टारगेट्स मंथली को उन किया मैंने वीकली टारगेट्स में वीकली को डेली अचीवेबल टारगेट्स मैंने इफ देर आर एनी बैकलॉग्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे तो सैटरडे एंड संडे शुड बी यूटिलाइज ओनली टू कवर दोज बैकलॉग्स ये हमारा एम रहना चाहिए और जब तक एक हफ्ते का बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो गया अगर कोई आता है एक हफ्ते में तब तक सेकंड वीक के टारगेट को एकदम शुरू मत कर देना यू हैव टू मेक कंसिस्टेंटली योर योर आर अंडर कंट्रोल ओके यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सो वी ईयर क्वेश्चन मेक अ टारगेटेड स्टडी प्लान एंड नाउ गोइंग थ्रू द मेन्स पीवाई क्यूज ये मेन्स का पीवाई क्यू प्रैक्टिस करना सबसे बड़ा बोल सकते हो आप की है टू क्रैकिंग और टू कवरिंग द बैकलॉग का प्रॉब्लम सी वेन यू राइट आंसर इन मेन्स फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन महाजनपद तो महाजनपद टॉपिक अगर आपका छूट गया हो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन उठाकर सुपर कलाम के साथ या अपने एनसीआर के बेसिस पे ब्रेन करके आंसर लिख देते हो तो समझ लो उस टॉपिक को फिर से छूने की जरूरत ही नहीं है सेम अपलाइज टू तो एनी अदर सब्जेक्ट फॉर एक्साम्पल देर इज अ क्वेश्चन ऑन दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड वॉट यू हैव टू डू इज प्रीएम्बल टॉपिक पे यू कैन ट्रेक आउट फाइव इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मेन्स पिक आउट क्वेश्चन ऑन प्री Study it with Super Kalam or with your M. Lakshmikant Polity book. Brainstorm it, mind map now, and answer that one question from previous year question paper. And trust me, when you answer it, not just your confidence level will boost up, you have written it down now once. Then again and again and again and again, you will not be in a position to forget it. Trust me. This is another important aspect of practicing PYQs.

Uh, very, uh, you know, strategically in your preparation from tomorrow onwards, it will help you a lot. And do also let me know your feedback. Keep have you solved some PYQs? If yes, what has been your experience while solving previous year questions? The through the process that I have discussed in the session. Thank you so much, everyone. Keep revising.